डेलीगेशन को सफल कैसे बनाएं, इसके बारे में आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। डेलीगेशन मतलब काम सौंपना। हम लोगों के ऊपर काम सौंपते हैं और काम सौंपने के बाद में उन्होंने वो करना चाहिए ऐसी अपेक्षा करते हैं और वो हुआ नहीं तो फिर इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं, बोले नहीं ये काम के नहीं है, ये काम कर सकते नहीं है। उनको कुछ उल्टी पुल्टी बात बोल देंगे, गुस्सा करेंगे, मगर हम ये देखते नहीं कि डेलीगेशन करने के समय जो करना चाहिए था वो मैंने किया क्या, जो सावधानी बरतनी थी, जो स्टेप्स लेने थे, जिस तरह से डेलीगेट करना था उस तरह से किया क्या। तो उसमें से कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। एक है गिव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पूरी जिम्मेवारी दो। जिसको आपने काम दिया है उसको पूरी जिम्मेदारी आपने देना चाहिए। क्या होता है कि जिम्मेदारी दिया नहीं है उसको और वो उसको अकाउंटेबल नहीं है कि भाई उसको अकाउंट देने पड़ेंगे, मतलब उसको लेखा जोखा देना पड़ेगा ये काम हुआ कि नहीं हुआ, और वो एक व्यक्ति के ऊपर देंगे आप, तो फिर वो काम करेगा और वो काम करवा के लेगा। देखो क्रिकेट टीम में कैप्टन जो है उसकी उसको पूरी जिम्मेदारी रहती है। ऐसा नहीं कि सब मिलके हम ठहराएंगे, 11 के 11 लोग मिलके ठहराएंगे क्या करना, किसको बॉलिंग देना, ऐसा नहीं होता। कैप्टन ठहराता है, उसको जिम्मेदारी दी रहती है, तो वो जिम्मेदारी देना बहुत ज़रूरी है। और फिर वो रिजल्ट प्रोड्यूस किया नहीं किया वो उसका काम है। फिर तो एक है गिव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर दूसरा आपको रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करना है कि आपको कौन से परिणाम चाहिए। जो रिजल्ट है, परिणाम जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करो और वो क्लियरली बोलो कि भाई मुझे ये आउटकम चाहिए, मुझे ये परिणाम चाहिए, मुझे इतना इतना ये इतना सेल होना चाहिए, ऐसा काम ऐसा होने के बाद में ये इसका नतीजा बाहर निकलना चाहिए। ऐसे उसको क्लियरली उसको रिजल्ट के बारे में बोलो। जब क्लियरली रिजल्ट के बारे में बोला नहीं रहता है तो फिर वो काम प्रॉब्लम में आता है। और रिजल्ट के साथ साथ टाइम, कौन से टाइम तक आपको रिजल्ट चाहिए, किस तरह से चाहिए, आंकड़ों में चाहिए, बिना आंकड़ों के चाहिए, मतलब फिगर्स वो चाहिए नहीं, जैसा मतलब उसको पूरा उसकी जानकारी होना और क्लियर उसको रिजल्ट्स, क्लियर गोल्स मालूम करके देना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है कि प्रोवाइड रिसोर्सेस। उसको जितने भी रिसोर्सेस होना जरूरी, मतलब जितने भी उसको सपोर्ट देना है, जिस तरह से उसको सपोर्ट मोबिलाइज करना है, तो उसको पूरे क्लियरली जो भी चाहिए उतने उसको रिसोर्सेस उपलब्ध करवा के दो। तो क्या चाहिए, कौन सी मदद चाहिए, क्या सलाह लेना है किसी, मतलब जो भी चाहिए उसको वो काम पूरा करने के लिए वो उसको उपलब्ध करवा के देना, और वो मुबलक अबंडेंस में, तो फिर वो काम कर सकता है, नहीं तो काम नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। समझो उसने बोला मुझे 5 आदमियों की जरूरत है ये काम पूरा करने के लिए, तो फिर आपको 5 आदमियों का रिसोर्स उसको देना पड़ेगा। आप बोलेंगे नहीं मैं 2 ही आदमी देता हूँ और आपने वो काम पूरा करना है तो होगा नहीं। तो फिर क्लियर रिसोर्सेज उसको देना बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज देना जरूरी है, क्लियर लोगों को बोलना जरूरी है। आपको उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है, मतलब बीच बीच में उसको बोलना है कि बीच बीच में आके एक बार मुझे बोलते जाओ कहाँ तक आ गया है, और उसमें उसको कोई कठिनाई आई है, वो कहीं स्टॉप हुआ है क्या, उसमें उसको कोई बैरियर्स है, कोई प्रॉब्लम्स आए हैं, तो वो आके आपसे डिस्कस कर सकता है, आपसे पूछ सकता है, और जो भी उसको सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए वो ले सकता है, और आपका फीडबैक ले सकता है कि काम ठीक चल रहा है, बराबर चल रहा है, इसमें कोई सुधार लाने का है, दुरुस्त करने का है, ऐसा वो आपसे फीडबैक ले सकता है। और तो आपने उसको फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है, बीच बीच में उसको फीडबैक देना है। फिर नेक्स्ट, ये जो काम है ये काम वापस लेने का नहीं है, हमने एक बार उसको दिया फिर उससे वो करवा के लेना है। वो क्या होता है कि उसको यहीं जमा तो हम क्या करते, तुरंत उसमें जम कर देंगे, कूद जाएंगे, बोलेंगे चल बाजीवाट मैं कर लेता, तो ऐसा करना नहीं है। उसको एम्पावर करना है जिसको काम दिया उसको, मतलब उसको जो भी सफिशियंटली हेल्प करना है, सपोर्ट देना है, एम्पावर करना है जो भी, और उससे ही काम करवा के लेना है। ऐसा नहीं कि वो वापस लेना है, क्या होगा वो फेल हो जाएंगे वापस आपके पास में आएंगे, ये मैं उसकी जमता नहीं, आप वापस ले लो, आप भी एकदम उतर जाएंगे चलो मैं करता हूँ, ऐसा नहीं करने का है। उसको ही ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, और वो जॉब उससे ही करवा के लेना पड़ेगा, हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा, और वो पूरा कैसा करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो कभी भी वापस लेना नहीं है, उससे ही करवा के लेने का है। फिर आपको बैकअप देना जरूरी है, बैकअप एंड नेसेसरी सपोर्ट। पूरे टीम मेंबर को और जिसको आपने डेलीगेट किया है वो टीम लीडर को ये मालूम होना चाहिए कि आप बैकअप में है, कुछ भी हो गया तभी वो आपके पास में आ सकता है, कहीं फेल हो गया तो वो आ सकता है, आप उसको बैकअप देंगे, सब्स्टिट्यूट देंगे, सब्स्टिट्यूट कोई अल्टरनेटिव उपलब्ध करवा के देंगे, मतलब उसको ये रहता है कि अपने को पीछे है, अपने कोई ना कोई है, आपका आशीर्वाद पीछे है, और वो टीम मेंबर को मालूम है ताकि वो आगे लड़ सकते हैं। तो कभी भी उसको ये मालूम है कि भाई अपने को बैकअप है,
तो उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, बैकअप का काम भी नहीं पड़ेगा शायद, मगर वो बैकअप है ऐसा मालूम पड़ा तो वो अच्छे तरह से वो काम करके ले सकते हैं। तो फिर इन समरी, नंबर एक, गिव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेवारी देना है। नंबर दो, फोकस ऑन रिजल्ट्स, रिजल्ट के ऊपर फोकस करो और वो चाहिए ऐसा बोलो क्लियरली। नंबर तीन, प्रोवाइड फुल रिसोर्सेस, जितने रिसोर्सेज दे सकते हो वो पूरे रिसोर्सेज को दो। नंबर चार, गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। नंबर पाँच, डू नॉट टेक बैक द टास्क टू यू, वापस नहीं लेने का है, उसे करवा के लेना है। और नंबर छः, प्रोवाइड सपोर्ट वेन एवर इट इज़ नीडेड। तो ये छः स्टेप्स आप करते हैं तो डेफिनेटली वो डेलीगेशन में वो सक्सीड हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सभी व्यापारियों को, एंटरप्रेन्योर को, बिजनेसमैन को, जो बड़ा काम कर रहे हैं, जो टीम लेकर काम करते हैं, उनको सबको ये शेयर करो ताकि उनको एक काम में आ जाएंगे और बड़ा काम कर सकेंगे। वीडियो शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।